बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला सलामत रखे। उस्ताद गुलाम रसूल गुजारिश करीना, आज का मौजू ये है बकरी फार्म दे वास्ते दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, इंतहाई अहम चीज़ा दो ये मैं तो शेयर करीना। और वीडियो शुरू करने तो पहले चैनल नू सबसक्राइब करे। सो मैं गुजारिश करा जनाब, बस दो चीज़ा मैं समझीना शेड दा दारो मदार है और उन्होंने चीज़ों वास्ते खास ध्यान देना है और उन्होंने ध्यान देना इंतहाई आसान तरीका भी है और हर इंसान को पता भी लग सकता है बीमारी और जानवर दो चीज़ा क्या सही है। अगर वो चीज़ा सही हो सन तो जानवर को कोई मसला न बन सी। वो कड़ी सब तो पहले बकरी चरा सही करे, कोई चीज़ तो सब गति है बकरी बड़ा खुशी नाल खाना शुरू कर दे। उस दे बाद जनाब दूजा नंबर है पानी अच्छी तरह पीवे। और अगर ये दो चीज़ा बकरी सही करेंदी रही मतलब है उन्हें खाना भी पेट भर के खादा और पानी भी उतू अच्छी तरह पी के पेट भर के दा और डेली दी बुनियाद पे यानी वो उस चीज़ को चेक करके रखना है। अगर बकरी थोड़ा जा भी लूज चरा कीता है या पानी थोड़ा पीता है तो उसका फिलफौर यानी मैदे का इलाज करना है ताकि वो सही चरा करे। अगर तुसा कोई भी होर गलती कर बैसो तो उस दे नाल इतना ज़्यादा खसारा ना सी। सब तो ज़्यादा अहम ये चीज़ा हैं तो बकरी तुसा हर घंटे चेक करना है बकरी चरा सही करी। अगर कई टाइम ही बकरी चरा नहीं किया तो उसका चरे का ख्याल करना है। अगर पानी नहीं पीता तो पानी भी कोई ऐसा तरीका अपनावना है असा दर्जना तरीके दस जेड़ा नाल पानी जानवर ज़्यादा पानी पी गंदा है। मतलब है गर्मियों के असा आटा छोला और जौ मिक्स करके हल्का जहा पानी दे पा के आटे का पानी का कलर तब्दील हो वन जाऊंगे नमक ही पावनी और वह असा टेस्टी पानी बन सी पी लिया सू गर्मियों के बकरी ज़्यादा पी सी। और सर्दियों के हल्की जी दही या जगे वाली लस्सी पा के नमक हल्का जहा पा के दिहाड़े कम अज़ कम दो लेंगे ये असा पी लिया सू तो बकरी पानी ज़्यादा पी सी। और चरे दे वास्ते इस तरीके काफ़ी तो ज़्यादा पकिया हैं, मैं भी दोस्तों को दसिया हुई हैं। और अपना नमक वक्तन फवक्तन उखराणी दे होना जरूरी है ताकि बकरी अच्छी तरह उसका मैदा चालू रहे। तो प्यारे दोस्तों मैं गुजारिश करा वैसे दर्जना चीज़ा हैं जेडे क्यार दे विच दर्जना तो ज़्यादा जड़िया चीज़ों का असा मुकम्मल ध्यान देना, लेकिन ये एक मरकजी चीज़ है। और बकरी को थडू भी तो सब पहले बार भी उसका कोई मसायल थे तो इलाज की रखा तो थोड़े वास्ते आखिर तो कोई मसला ना बन सी। अगर तुस थोड़ा इस पास लूज हो गए तो चाहे खुराक जितनी भी ज़्यादा जानवर को डाल ले सो तो मैं नहीं समझीदा भाई जानवर थोड़ा मोटा हो वैसी। तो लिहाजा दोस्तों इन्हें दो चीज़ों पर ध्यान रख के अपने फार्म को कामयाब किया जा सकता है और करना चाहिए। ठीक है जनाब, आज का साड़ा ये थोड़ा छोटा जिहा मसला शेयर किया। अगली वीडियो तक जिंदगी वफाक की तो जरूर हाजिर थी सो उतने तक इजाजत गिन सो। अल्लाह हाफिज़।